जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे भोजपुरी फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और बहुत ही अभी ये तो दुख की बात है कि बार क्या बोले इसके बारे में, सरकार चेंज हो गई, आपने सरकार बना लिया, आपने गठबंधन करके पता नहीं कौन कौन सा लोगों को भ्रमित करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये वैकेंसी लाएंगे, हम 10 लाख वैकेंसी लाएंगे, 20 लाख वैकेंसी लाएंगे, और जो वैकेंसी ऑलरेडी पहले से पिछले सरकार में दी हुई है उस वैकेंसी को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 8415 सिपाही भर्ती, इसके बाद आई हुई भर्ती अब हम बात करें दरोगा की तो दरोगा के भी 2213 जो पद के निकले थे उनका भी सब कुछ हो गया, यूपीएससी का जो निकला था बीपीएससी का उसका भी हो गया, और 8415 का उसके बाद का मद्य निषेध का निकला उसका हो गया, जबकि बोर्ड दोनों एक ही है, सीएसबीसी ही दोनों को देखता है, मद्य निषेध को और बीएच को, तो उसका भी क्लियर हो गया, सब बच्चे ज्वाइनिंग कर लिए, ट्रेनिंग खत्म होने वाला उनका खत्म हो गया, राजगीर में उनका ट्रेनिंग भी खत्म हो गया, लेकिन 8415 वालों के बारे में कौन सोचेगा? ये तो हम बोलेंगे कि आप 10 लाख भर्ती, 9 लाख भर्ती और 19 लाख भर्ती हम देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, बच्चों को मत गुमराह कीजिए, आप जो है वो तो दीजिए कम से कम, जो ऑलरेडी है, जो वैकेंसी ऑलरेडी इनका बच्चे फिजिकल करके इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या आखिरकार आपके पास स्टाफ नहीं है तो क्या है, बताइए आप क्या कर रहे हैं? 2213 गुना आज 4 अगर करते हैं तो लगभग 8.5 हजार होता है, और उतने बच्चे इसमें हैं, तो उसका फिजिकल हुए और रिजल्ट निकले हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, और इनका अप्रैल महीने में फिजिकल हुआ और अभी तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाए, आखिर ये कब तक गुमराही की जिंदगी जीते रहेंगे बच्चे? मैं सारे बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे से 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से सभी लोग कम से कम 200 जो भी 8415 के हैं या नहीं हैं या किसी फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बाहर आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं, आप अगर आज साथ देंगे तो कल हम आपका साथ देंगे, हम रोड पे उतरेंगे नहीं, हम रोड पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज की डेट में जो सोशल मीडिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कल 10 बजे से सारे विद्यार्थी अपने अपने मोबाइल में ट्विटर का डाउनलोड कर लीजिए और #CSBC_Bihar_Police_8415_Merit_List_2 ये कैंपेनिंग में लिस्ट डाला जाएगा, ये ट्विटर में डाला जाएगा, कम से कम एक विद्यार्थी 100 रीट्वीट कीजिएगा, एक विद्यार्थी कम से कम 100 रीट्वीट कीजिएगा, तब जाके हमारी निकम्मी सरकार जागेगी, हम तेजस्वी से जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम है उनको भी हम इसको हैशटैग करेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर को भी हैशटैग करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को भी हैशटैग करेंगे, हमारे गृह मंत्री को भी हैशटैग करेंगे, हमारे जो सीएसबीसी के चेयरमैन है द्विवेदी जी उनको भी हैशटैग करेंगे, हम सबको करेंगे, लेकिन आप इसको रीट्वीट करने से ना भूलिएगा, कम से कम आप अपने मोबाइल फोन से 100 रीट्वीट कीजिएगा, 100 मैसेज कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों के साथ, इसको बैठ कल कैंपेनिंग डे मनाइए, कल 8415 का कैंपेनिंग डे मनाइए सुबह 10 बजे से, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आज अगर आप हमारा साथ रहेंगे तो कल हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये सरकार को जगाने के लिए हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हम उपद्रव वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं 8415 के, ये गलती से भी किसी के बहकावे में आके आप रोड पे उपद्रव वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो ये भर्ती देने के बजाय आपको जेल में डाल देंगे, और अगर एक बार वेरिफिकेशन में आपका नाम खत्म हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन में चला गया, तो आप कभी भी उभर नहीं पाएंगे, लेकिन इस माध्यम से आप सोई हुई निकम्मी सरकार को जगा सकते हैं। तो कल का दिन 21 अगस्त सुबह 10 बजे से आप तैयार रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर ये पूरा मैसेज आपको अच्छा लगा, क्योंकि फ्यूचर में भी हम बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।